Dear students of class 12th, so welcome in SNS Maths class. हम लोग अपने वेक्टर के टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम वेक्टर के लेक्चर नंबर 6 में वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में स्केलर प्रोडक्ट को डिस्कस किया था. स्केलर कहिए या डॉट कहिए, सो आज हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं. अब ये तो हम ऑलरेडी जान गए हैं कि वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं टू वेक्टर्स को, सो देयर आर टू टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन. एक वो मल्टीप्लिकेशन है जिसमें हमें क्या मिलता है, हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, और एक दूसरा मल्टीप्लिकेशन जिसमें हम लोगों को क्या मिलता है, जिसमें हम लोगों को वेक्टर क्वांटिटी मिलती है. और स्केलर जब हमारा आंसर स्केलर आ रहा था उसी को हमने स्केलर प्रोडक्ट कहा है, जिसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है. तो नेचुरली वेक्टर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होगा जिसमें हम जब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे टू वेक्टर्स को, सो जो आंसर वाली क्वांटिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी. और क्योंकि हमें आंसर वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में मिल रहा है तो हम भी क्या कर रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट वेक्टर प्रोडक्ट. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉपिक कि हम इस वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं. सी हियर अगेन कि अगर सपोज कि यू हैव टू वेक्टर्स. ओके, एरो थोड़े स्मॉल है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ. कि हियर वी हैव suppose vector A and vectors B are the two vectors and the angle between them is theta. Theta is angle between the vector A and B. So, अगर ये A और B non-zero, non-parallel vectors हैं, ये अभी हमें next step में answer मिल जाएगा कि हमने इनको non-zero, non-parallel vectors क्यों कहा है. So, if A and B are two non-zero, non-parallel vectors, then the vector product is denoted by A cross B. So, first तो हमने जो notation है वो dot की जगह cross ले लिया है कि A क्रॉस B से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, डिनोट करने वाले हैं. और एक तो आंसर यही हो गया क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं कि क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा है. इसलिए सी स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे थे उसको डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, और वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग जो हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है, डिनोट करने का तरीका है, वो है A क्रॉस B. सो क्रॉस प्रोडक्ट उसके लिए कहा है. इसकी डेफिनेशन कैसे देते हैं, ये डिफाइन कैसे है, एंड इट इज डिफाइंड एज A क्रॉस B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, साइन थीटा, और ये ग्रीक लेटर ईटा है. हम अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर वेक्टर n भी बोल सकते हैं क्योंकि 3D के टॉपिक में हम मोस्टली वेक्टर n बोलते हैं. यहाँ पर ग्रीक लेटर ईटा का यूज किया गया है, सो ये यूनिट वेक्टर ईटा है. नाउ अगेन व्हाट व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड, सी हियर अगेन यहाँ पर ए बी साइन थीटा, तो ये सारी क्वांटिटी तो स्केलर क्वांटिटी है भाई. मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केलर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केलर, साइन थीटा स्केलर. तो उसको जब हमने क्या किया कि हमें पता है कि हम जब किसी भी मैग्नीट्यूड को एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है कि उस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो जिस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया वो बन जाएगा, और डायरेक्शन जो है वो उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हमें मिल जाएगी और वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा. अगर हम इस ईटा यूनिट वेक्टर को हटा लेंगे तो ये स्केलर आंसर हो जाएगा. सो ये ईटा यूनिट वेक्टर क्या हमें क्या मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि ये ए क्रॉस बी को एक वेक्टर क्वांटिटी बना रहा है. दूसरी बात है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, है ना, इसका डायरेक्शन क्या होगा. सो सी आपके सामने जैसे जो स्क्रीन आपके सामने है, मीनिंग लैपटॉप या मोबाइल, जो भी स्क्रीन आपके सामने है उस स्क्रीन पे अगर देखेंगे, सो अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि वी आर मूविंग लाइक दिस, ना अगर हम इस तरह से मूव कर रहे हैं, हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हुए ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो अब क्या करना है कि मैं अपने हैंड को अगर ए से बी की तरफ रख के, ऐसे रख के मैंने ए से बी की तरफ अपना हैंड को रखा है और मैंने ये मूव करा है, तो जो मेरे थंब का, ये जो मेरा थंब है, इस अंगूठे की जो डायरेक्शन होगी वो सिंपली क्या बन जाएगा, वो हमें ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा. और अगर हम उसको क्या करते हैं कि सपोज ये नहीं, अब ये डायरेक्शन रिवर्स कर लेते हैं. रिवर्स मीनिंग सपोज किए कि डायरेक्शन हमारी इस तरह से आ जाए, अगर ये डायरेक्शन हो, यानी बी से ए की तरफ आ रहे हैं, यानी बी क्रॉस ए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अंगूठा क्या होगा, ठीक उसके रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा. यानी इस केस में अगर जो अंगूठे का डायरेक्शन, अगर मैं ऐसे रख के इसको इस तरह से मूव कराता हूं, तो अंगूठे का डायरेक्शन लैपटॉप से बाहर की तरफ आ रहा है, ये मेरी तरफ आ रहा है ना, मेरी तरफ आ रहा है, तो वो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन आ गया. लेकिन अगर हम इसको रिवर्स लेंगे बी क्रॉस ए, तो क्या होगा, अंगूठे का डायरेक्शन एग्जैक्टली रिवर्स में चला जाएगा, और जो वो एग्जैक्टली रिवर्स में जाएगा तो वो लैपटॉप के इनसाइड की तरफ हो जाएगा, है ना. So, that is the direction of this A cross B. हाँ, लेकिन एक चीज क्लियर हो गई यहां से,
कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा। हमने क्या लिया कि ए और बी जिस भी प्लेन के ऊपर है, सपोज अभी मेरे वो लैपटॉप के स्क्रीन पे है या कंप्यूटर के स्क्रीन पे है, तो जो यूनिट वेक्टर ईटा है वो उस स्क्रीन के परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ है, यानी डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी इन सच ए वे दैट दे फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम मीनिंग राइट हैंड में दो वेक्टर्स हमारे हो जाते हैं, तो जो अंगूठे का निशान है वो ईटा यूनिट वेक्टर बनाएगा, और किस डायरेक्शन में, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम उसको मूव कराएंगे तब, राइट। तो एक तो क्रॉस प्रोडक्ट को हमने रिप्रेजेंट कैसे किया, एक वेक्टर प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से, और उसका वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा ईटा यूनिट वेक्टर। नाउ लेट अस ड्रॉ सम कंक्लूजन फ्रॉम हियर। अभी हमने कहा कि ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा ईटा यूनिट वेक्टर है। सी हमने कहा ना ये नॉन जीरो, क्यों ए और बी नॉन जीरो वेक्टर्स, सो उसका आंसर यहां ले लेते हैं। अगर ए और बी में से कोई एक जीरो वेक्टर हो जाए या दोनों जीरो वेक्टर हो जाए तो क्या होगा, तो उस केस में ए क्रॉस बी का आंसर जब लिखने जाएंगे तो एक वेक्टर हमारा जीरो हो गया, है ना। अब उस जीरो के साथ साइन थीटा ईटा यूनिट वेक्टर कुछ भी लिखें वो तो सबका सब जीरो हो जाएगा, है ना। और जीरो वेक्टर की को डायरेक्शन हम जिस डायरेक्शन में लेना चाहे ले सकते हैं, वो कुछ डिफाइन नहीं करेंगे, राइट ना। तो इसलिए वेक्टर ए और बी क्या होना चाहिए, वेक्टर ए और बी में से ये नॉन जीरो वेक्टर्स होने चाहिए, अदरवाइज क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर ही जीरो आ जाएगा। सिमिलरली अगर ए और बी कोलिनियर है, नाउ व्हेनेवर ए एंड बी आर कोलिनियर इट मीन द एंगल बिटवीन देम इज आइदर जीरो और पाई, भाई ए की डायरेक्शन में तो जीरो होगा और अगर रिवर्स डायरेक्शन में है तो पाई होगा, तो उस केस में साइन थीटा जीरो हो जाएगा, और अगर साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो गए तो स्टिल क्या बोलेंगे कि जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर अगेन हमारा वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर जीरो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन मोर थिंग कि वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द टू गिवन वेक्टर्स, देन मीन ये क्योंकि 3D में बहुत काम आता है, कई बार ना हमें एक ऐसे वेक्टर की जरूरत है जो जो गिवन वेक्टर्स हैं उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, उन दोनों के यानी उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसको जो प्लेन उन दोनों वेक्टर को कंटेन कर रहा है। हमारा आंसर यहीं पर छुपा है ए क्रॉस बी में। सो सी अगर मुझे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए तो क्या होगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में अगर मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए तो वो यूनिट वेक्टर ये ईटा ही तो है, यानी फ्रॉम हियर ये ईटा यूनिट वेक्टर अगर हम लिखना चाहें तो ये कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साथ में साइन थीटा, लेकिन मैं साइन थीटा को यूज नहीं करना चाह रहा हूं, तो यहीं पर अगर हम दोनों साइड का मैग्नीट्यूड लेते हैं, है ना, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड मैग्नीट्यूड ले लिया तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, जो ईटा यूनिट वेक्टर है उसका तो मैग्नीट्यूड 1 होता है, सो वी गेट दिस ना, इस केस में ये मिलेगा, दैट मीन ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, हम इसका वैल्यू सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। सो अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें ए और बी लाई कर रहे हैं, जिसमें ए और बी हैं। अब अगर मुझे एक वेक्टर चाहिए नॉर्मल वेक्टर, तो जिस भी मैग्नीट्यूड का चाहिए उस मैग्नीट्यूड से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसको एज ए फॉर्मूला, इंटरेस्टिंग फॉर्मूला हम याद रखेंगे कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए और बी को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर के लिए ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा, और ये एक नंबर के क्वेश्चन इस पे आते हैं, जब एग्जाम देंगे ना आप लोग तो 1 मार्क्स के इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नाउ अनदर थिंग इज वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, ये हमने अभी देख भी लिया है ना, मीनिंग कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसका मतलब ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, और उसका सिंपल सा रीजन ये है कि अभी हम लोगों ने लिखा कि ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा ईटा यूनिट वेक्टर, तो अगर हम बी क्रॉस ए लिखने जाएंगे तो ये तो वैसे ही आएगा ए, ये तो ऐसे ही आएगा और ये, लेकिन इसकी जगह पर इसका डायरेक्शन कन्वर्ट होने वाला है। अभी हमने देखा ना कि फिंगर्स को अगर हम दूसरे डायरेक्शन में ले जाएंगे, यानी अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एन अगर बाहर की तरफ है तो इस डायरेक्शन में आएगा तो इनवर्ड हो जाएगा, तो एग्जैक्टली उसका नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस को कॉमन करेंगे तो मुझे ए क्रॉस बी मिल जाएगा, यानी वी कैन से
कि ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल होता है माइनस का माइनस का बी क्रॉस ए के इक्वल। यहां पर एक चीज और नोट कर लेते हैं कि व्हाट अबाउट ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्या होगा? नाउ ए क्रॉस ए इज जीरो। अगर हम ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो जीरो आएगा। जीरो क्यों होगा? क्योंकि उन दोनों के बीच एंगल जीरो हो गया, साइन जीरो जीरो हो गया ना भाई। ए और ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब यहां थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन देम इज जीरो। चलिए और चलता हम लोग और आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। नाउ वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, नाउ वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट का मतलब जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में लिया था कि सपोज करिए कि वेक्टर ए जो है ना वो हमें ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और वेक्टर बी जो है वो हमें बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के फॉर्म में। तो हम अगर ए क्रॉस बी कैलकुलेट करने जाएंगे सो ए क्रॉस बी का मतलब हो गया कि ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम बी वन आई बी टू जे बी थ्री के साथ, ये ना कैलकुलेट करना होगा। अब इस कैलकुलेशन में मुझे आई जे के की जरूरत पड़ेगी, तो एक बार चेक करें कि आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो अभी हमने जस्ट प्रीवियस स्क्रीन में देखा था कि दो एक जैसे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, तो इसका मतलब आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के का आंसर हमेशा जीरो आने वाला है। अब एक क्वेश्चन और होता है कि तो आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, है ना, आई क्रॉस जे क्या होगा या जे क्रॉस के क्या होगा और के क्रॉस आई क्या होगा भाई, है ना, इनके आंसर्स क्या होंगे। अब अगर इनके आंसर्स फाइंड आउट करना हो तो आई जे के, आई जे के ये तीनों क्या बनाते हैं, ये तीनों अगर आई जे के को लिखें तो अगर मैं आई जे के को लिखता हूं तो इज इट नॉट कि आई जे के एक राइट हैंडेड सिस्टम बनाते हैं, है ना। और अगर ये एक राइट हैंडेड सिस्टम बनाते हैं तो आई और जे को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन थीटा साइन 90, है ना, एंगल बिटवीन देम 1 हो गया, तो ईटा यूनिट वेक्टर आएगा, ये एक यूनिट वेक्टर आएगा जो आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर है, सो दैट मीन वेक्टर के है। सिमिलरली जे और के में भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जे 1 होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ के 1 होगा और साथ में साइन थीटा 1 होगा, तो ईटा यूनिट वेक्टर और ईटा यूनिट वेक्टर यहां पर आई। वंस अगेन आई और जे का जब क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तब भी हम के लिख रहे हैं, माइनस के नहीं लिख रहा है ना, क्योंकि जब वो जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के हो जाएगा। अब इस केस में के लिखा हमने, माइनस के क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि आई जे के इट्सेल्फ अगर आप ध्यान देंगे तो आई जे के खुद ही क्या है कि जो ये हमारा 3D का 3D सिस्टम है तो उसमें ये हम लोग ये खुद ही एक राइट हैंडेड सिस्टम बनाता है। तो अगर ये राइट हैंडेड सिस्टम बना रहा है और हमने यहां कहा भी है कि जिन दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी का, तो ए बी और ईटा तीनों मिलके एक राइट हैंडेड सिस्टम बनाते हैं। तो राइट हैंडेड सिस्टम में क्या है कि दो का क्रॉस प्रोडक्ट जो है, अगर यूनिट वेक्टर्स हैं तो दो का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के इक्वल होगा। तो यहां पर वही हो रहा है कि जब हम के और क्रेस के को आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हम जे लिख रहे हैं, यानी यहां पर मैं यही बोल सकता हूं कि अगर हम जे को आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस के लिखेंगे। सिमिलरली अगर हम के का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस आई आएगा, और अगर हम आई का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसको माइनस जे लिखेंगे। नाउ अब क्या करना है, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी इनको सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो हमने लिखा हुआ है आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो, इनको जीरो पुट कर लीजिएगा। पुट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आता है वो एक्सप्रेशन को नोट करिए और साथ में इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करके देखिए, आपको एग्जैक्टली दोनों एक्सप्रेशन एक जैसे मिलेंगे। जैसे इसका डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन क्या होगा, आई के साथ क्या आएगा, पहले जे के साथ शुरू करें क्या, आई हम कैसे लिखते हैं, आई के साथ फर्स्ट आई के साथ क्या लिखते हैं, लेट मी राइट इट अगेन ना, सो आई के साथ क्या लिखेंगे, इट इज ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू। फिर लिखते हैं हम लोग माइनस जे, माइनस जे के साथ लिखेंगे ए वन बी थ्री और माइनस का बी वन ए थ्री। फिर प्लस के,
एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड आई नो आई होप कि आपने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हाउ टू एक्सपेंड ए डिटरमिनेंट. तो सी, जब आप इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये पुट करेंगे ना, तो आपको इसी तरह का एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा. यानी उस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी हम अपने फॉर्मूले को ऐसे याद रखेंगे. तो अब थोड़ा इजी हो गया. अगर मुझे वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में कभी भी मल्टीप्लाई करना है, अगर मुझे टू वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं और मुझे उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्या करेंगे कि फर्स्ट रो में आई जे के को लिखेंगे, सेकेंड रो में जो वेक्टर ए है उसके कोफिशियंट को लिख देंगे, थर्ड रो में बी के कोफिशियंट को लिख देंगे और डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कर लेंगे. वो डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन मुझे सिंपली आंसर देगा. अब ये भी वन मार्क्स क्वेश्चन के लिए कि टू वेक्टर्स गिवन है, उनका सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करिए. अच्छा, वैसे भी ये आना चाहिए क्योंकि आप इस पूरे टॉपिक में आपको बार बार क्रॉस प्रोडक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर इस डिटरमिनेंट की हम हेल्प ले लेंगे. चलिए कुछ और देखते हैं. अब एक क्वेश्चन और मन में आता है कि भाई ज्योमेट्रिकली ये वेक्टर प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है. जैसे डॉट प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली में हमने प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आया था हमारे पास, तो क्या ज्योमेट्रिकली वेक्टर प्रोडक्ट भी कुछ रिप्रेजेंट करता है. आइए इसको समझते हैं. सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, एक हमारे पास वेक्टर ए है और दूसरा हमारे पास वेक्टर बी है, एंड लेट द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, राइट. अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने जा रहे हैं. सो मैं क्या करता हूं, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल को कंप्लीट कर लिया है ना, मीनिंग पैरेललोग्राम को, है ना, ए और बी से बनने वाला एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया. और बी से हमने सपोज किया कि वेक्टर पहला ए वेक्टर ओए था, ये ओबी था, तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया बी है. यह एंगल थीटा है. अभी डायग्राम में अगर नजर नहीं आ रहा तो मुझे उसका कलर चेंज करना होगा. एंगल बिटवीन देम, ये जो एंगल बन रहा है यहां पर वो थीटा. ओके, नाउ यू सी कि अगर हम क्या करते हैं कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं. सी, अगर हमने ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लिखा तो वो आता क्या है, वो हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा और ईटा जनरेटर एन. ठीक है, अब जरा इस डायग्राम में, इस डायग्राम में बी एम, बी एम को अगर ओ बी से डिवाइड करेंगे, सो इज इट नॉट वी गेट साइन थीटा. यानी मैं ये बोल सकता हूं कि बी एम जो है ओ बी मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा. अब अगे एक और चीज ध्यान दिए कि ये जो पैरेललोग्राम आपको नजर आ रहा है उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी, लेट इट बी सी. सो इज इट नॉट इसका एरिया जो है बेस, बेस ओ ए इंटू हाइट बी एम होना चाहिए. अब बेस हमारा ओ ए है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और बी एम क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा. अभी ये स्केलर क्वांटिटी एक है ना, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी एग्जैक्टली है क्या. सो इज इट नॉट ये स्केलर क्वांटिटी जो है वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है. नहीं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो भाई ईटा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा. नहीं, यानी अगर हमने इसको ईटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा. तो मैं क्या बोल सकता हूं, इन दैट केस वी कैन से लाइक दिस कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो उस पैरेललोग्राम के वेक्टर एरिया को रिप्रेजेंट करता है जिसकी एडजेसेंट साइड्स ए और बी हैं. इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में चाहें तो देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स द वेक्टर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड्स अलोंग ओ ए एंड अलोंग ओ बी. ओ ए और ओ बी के अलोंग जो वेक्टर ए और बी होगा है ना, उसे जो पैरेललोग्राम बनेगा उसके वेक्टर एरिया को रिप्रेजेंट करेगा. सी, हाँ, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो पैरेललोग्राम के परपेंडिकुलरली होगा है ना, वो उस पैरेललोग्राम के, यानी पैरेललोग्राम एक प्लेन बन गया ना, तो उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा वो उस वेक्टर एरिया का डायरेक्शन बन जाएगा. बट मैग्नीट्यूड लेने पे हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें मिल जाएगा. यानी यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि अगर हमें ए एरिया, उस पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करना है जिसकी एडजेसेंट साइड्स ए और बी है, तो क्या करना है, उसका सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे. अगेन एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमसे कैलकुलेट करवा ले. वो एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर बात करें, सी अगेन, अगर ये एक ट्रायंगल है ना जिसकी साइड्स ए और बी है वेक्टर्स, या अभी चलो हम मैं कहता हूं ए बी सी है और मैंने इसको एक ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया. सो इज इट नॉट ट्रायंगल जो है वो पैरेललोग्राम का हाफ होता है. यानी हम इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे तो पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा. यानी ट्रायंगल की ये जो टू साइड्स हैं
इन दोनों साइड्स को अगर हम मल्टीप्लाई करके उसको हाफ कर दें, नहीं हाफ वेक्टर ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो हमें ट्रायंगल का एरिया भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर ए और बी क्या है, ए और बी असल में ट्रायंगल की साइड्स है। सो इवन अगर मैं ए बी को छोड़ देता हूँ तो आई कैन से ए बी क्रॉस ए सी। अब किसको पहले लिख रहे हैं किसको बाद में लिख रहे हैं, इससे सिर्फ क्या होगा, क्योंकि कम्यूटेटिव नहीं है तो एक नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव से तो मतलब है नहीं मुझे, तो सिंपली मुझे एरिया स्केलर फॉर्म में मिल जाएगा। यानी वेक्टर की हेल्प से, क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से हम ट्रायंगल के एरिया और पैरेललोग्राम के एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। सी वन मोर थिंग, एक और कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अभी मान के चलिए कि नहीं, हमें अगर एक पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम में डायगनल्स गिवन है, सपोज ये डायगनल ए है और ये डायगनल बी है, एंड लेट दीज आर द वेक्टर पी, वेक्टर पी है और ये वेक्टर क्यू है। सो ऑलरेडी मीनिंग वो एक वेक्टर पी को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्यू जो है वो दूसरे वेक्टर ओ सी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो नाउ वी नो दैट ना कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अगर टू वेक्टर्स पी और क्यू उसकी एडजेसेंट साइड है तो एक डायगनल उसका सम होगा तो दूसरा डायगनल उसका डिफरेंस होगा, ये हमने पढ़ा है ना। सो पी माइनस क्यू, या हमने पी माइनस क्यू बनाया है, अगर इस डायरेक्शन को ऊपर लिख देंगे तो फिर इसी को मैं क्या करूंगा, तब मैं इसको क्यू माइनस पी लिख दूंगा, है ना, ये डिफरेंस हो जाएगा। तो इट डजेंट मैटर वेदर यू आर राइटिंग पी माइनस क्यू और क्यू माइनस पी। ओके नाउ यू सी व्हाट अबाउट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या नहीं, क्या होगा ए क्रॉस बी, चलो इनको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो क्योंकि यहां हमने क्यू को पहले लिखा है तो भाई एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है, तो क्यों ना हम यहां भी पहले क्यू को ही लिख देते हैं। चलो मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करो भाई, क्यू क्रॉस की प्लस पी क्रॉस क्यू माइनस क्यू क्रॉस पी और प्लस पी क्रॉस पी, प्लस नहीं माइनस, क्यू क्रॉस क्यू जीरो होगा, पी क्रॉस पी जीरो होगा। यानी हमारे पास एक तो बच गया पी क्रॉस क्यू, इसको चेंज करके इसको भी पी क्रॉस क्यू लिख देते हैं, यानी हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस पी क्रॉस क्यू। ओके सो यहां मैं वापस लिख रहा हूं, सो ये पी क्रॉस क्यू क्या बन गया, पी क्रॉस क्यू 1/2 ए क्रॉस बी के इक्वल आ गया, राइट। मैग्नीट्यूड ले ले, ये लिखेंगे ना। अब ये पी क्रॉस क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो इसका मतलब अगर हमें साइड्स गिवन है तो सिंपली उसके क्रॉस प्रोडक्ट, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा, लेकिन अगर हमें किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स पता हैं तो भी उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके उसको टू से डिवाइड करेंगे तो हमें एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम पता लग जाएगा। सो यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करने के टू मेथड्स हो गए हमारे पास, साइड्स आर गिवन और डायगनल्स आर गिवन। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बन गए एग्जामिनेशन के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो भी एक क्वेश्चन बन गया। तब तो हम क्वाड्रिलेटरल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे डायग्राम में आपको एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा होगा, लेट इट बी ए बी सी डी, इसको हम अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा हमारे यूजफुल नहीं आएगा ये, और ये आप अपने आप भी इसको थोड़ा सा समझ जाएंगे। सी अगे क्वाड्रिलेटरल जो है ये टू ट्राइंगल्स के फॉर्म में है ना, तो अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया को ए बी क्रॉस बी सी से फाइंड आउट कर लेता हूँ और दूसरे ट्राइंगल के एरिया को सी डी क्रॉस डी ए से कैलकुलेट कर लेता हूँ, नहीं भाई सी डी डी ए और यहाँ ए बी और बी सी, तो दोनों पैरेललोग्राम के, दोनों ट्राइंगल के एरिया को कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे तो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। मीनिंग विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हम क्वाड्रिलेटरल के एरिया की बात भी कर सकते हैं, उसकी भी कैलकुलेशन हम कर पाएंगे, नॉट ओनली पैरेललोग्राम, इवन वी कैन डिस्कस अबाउट द क्वाड्रिलेटरल ऑल्सो इन इन क्रॉस प्रोडक्ट। सो वन मोर एक सिंपल प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ अ वेक्टर ओवर ए वेक्टर एडिशन, ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है जिसको याद रखना है, वी आर नॉट टेकिंग द प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी इन दिस वीडियो, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो हम इसका फिर हम क्या करेंगे, अलग से इसका वीडियो इसके प्रूफ का बना देंगे। सी गेम नाउ इट इज जो आपके जेई मेन्स इस तरह के एग्जामिनेशन है वहाँ पर प्रूफ तो कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि हमें इसके एप्लीकेशंस लेने हैं, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं,
और एज फॉर सीबीसी एग्जामिनेशन सारा कंसर्न वहां भी ये प्रूफ नहीं पूछा जाता है, लेकिन मुझे दोनों प्रॉपर्टी के फॉर्म में याद रखना है कि ए क्रॉस बी प्लस सी जो है वो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी के इक्वल होता है, सिमिलरली बी क्रॉस सी क्रॉस ए जो है वो बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए के इक्वल होता है। सो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को एज ए प्रॉपर्टी याद रखेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसको यूज भी करेंगे। Now I am going to discuss one more very important concept, that is Lagrange's identity. एक चीज और हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में और वो है हमारा Lagrange's identity. अब ये क्या है भाई Lagrange's identity? See, अगर हम देखें कि A cross B के लिए हमने फॉर्मूला याद किया हुआ है, मतलब हमें पता है वो क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B और साइन थीटा। अब अगर मैं यहाँ पर एक क्या करता हूँ मॉड ले लेता हूँ यानी मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, तो मुझे अभी ईटा यूनिट वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। सपोज कर हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर करने से ही आ जाएगा नहीं। अभी ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और साइन को हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos² θ बाई यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। सी देखने इसके लास्ट में हम लोग ना कितना कितना इंटरेस्टिंग सा एक बहुत ही बेहतरीन एक रिजल्ट हमारे पास आने वाला है, और लैग्रांजिस ने उसको शायद इन्वेंट किया होगा तभी इसका नाम हम लोग लैग्रांज आईडी बोल रहे हैं। दिस वी गॉट अ ओके, ये तो ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर है। यहाँ माइनस को कॉमन कर लीजिए है ना, मतलब स्क्वायर को अलग कर लीजिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा क्या होता है, इज इट नॉट अ वेक्टर ए डॉट बी होता है नहीं। So now, from here, ये इसका मतलब ये एक हमारे पास एक रिजल्ट आ गया ना कि A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है वो मैग्नीट्यूड A स्क्वायर मैग्नीट्यूड B स्क्वायर माइनस A डॉट B के स्क्वायर के इक्वल होता है। इवन यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम एक डिटरमिनेंट बना देते हैं। सी यहाँ लिखा मैंने वैक्टर ए, यहाँ लिखा वैक्टर बी, सिमिलरली यहां भी लिख दिया मैंने वेक्टर ए वेक्टर बी ना, यहां आ गया हमारे पास ए डॉट बी, यहां भी आ गया ए डॉट बी राइट। सो यानी हमने इस रिजल्ट को एक आप ये बोल सकते हैं कि हमने इसको एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। और अदरवाइज हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस डॉट प्रोडक्ट, उसमें तो मैग्नीट्यूड बोलने की जरूरत नहीं, खुद ही स्केलर क्वांटिटी था, उसका स्क्वायर जो है वो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर और मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। ये क्वेश्चंस इनिशियल डेज में ये सीबीएसई में आया भी है ना, लेकिन आज की डेट में हम इसको एज ए रिजल्ट याद रखेंगे वन मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। कैसे वन मार्क्स क्वेश्चन नहीं, सपोज ये गिवन है और ये गिवन है तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, या ये दोनों गिवन है तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये नहीं, इसके अंदर अगर क्वांटिटीज देखेंगे तो 4 क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व, सो इफ 3 क्वांटिटीज आर गिवन वी कैन कैलकुलेट द फोर्थ वन। सो वहां पर हमें वन मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये हमारे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट। तो ये रहा वो रिजल्ट कि ए क्रॉस बी को हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों रिजल्ट को हमने यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है। सो दीज टू रिजल्ट आर नोन एज लैग्रांजिस आइडेंटिटी, इसको याद रखना है, इस पे बेस आपको आप बुक में क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगेन फिर वन मार्क्स और टू मार्क्स के लिए के क्वेश्चनों के लिए ये भी रिजल्ट मेरा इंपॉर्टेंट हो गया। सी गेन अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो वहां पर ना सीबीएसई एग्जामिनेशन के अंदर या इवन स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर, क्योंकि आजकल छोटे क्वेश्चन बहुत लेने लगे हैं है ना, सीबीएसई में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो जहां छोटे क्वेश्चन मेरे से पूछे जाएंगे, सो वेक्टर एक बहुत अच्छा टॉपिक है छोटे क्वेश्चन पूछने के लिए एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई हम टू वेक्टर्स के बीच एंगल निकलवा सकते हैं, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करा सकते हैं, प्रोजेक्शन कैलकुलेट करा सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट कराएं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कराएं, ये लैग्रांजिस आईडेंटिटी का यूज करा लें, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन गए ना। अब इन सभी क्वेश्चनों में से एक आध क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन में 100% मिल ही जाने वाला है ना, तो यानी ये सब की एक लिस्ट बना के याद रख लें तो मेरा एग्जामिनेशन का पोर्शन जो है ना एग्जामिनेशन में मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा।
सो डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो के अंदर हमने वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो छोटी छोटी जितनी चीज़ें थी उसको हमने क्या किया यहाँ पर इकट्ठा कर दिया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए हमने इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को क्या किया इंक्लूड नहीं किया है ना, हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए, इसके क्वेश्चंस नहीं ले पाए हैं। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट वीडियो में इन ए सेपरेट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशंस के हो या आपकी बुक के क्वेश्चंस हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, चैनल को देखते रहना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको जैसे इस वीडियो का नोटिफिकेशन अगर मिलेगा तो ऐसे ही बाकी वीडियोज के भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वंस अगेन थैंक यू।